झुमरे तलैया शहर के सबसे व्यस्त इलाका झंडा चौक से लेकर स्टेशन रोड एवं झंडा चौक से लेकर पूर्णिमा टॉकीज तक सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करने पर नगर प्रशासक विनीत कुमार ने शनिवार को एक अभियान चलाकर दुकानदारों से जुर्माने की वसूली की है। इस मौके पर नगर प्रशासक विनीत कुमार ने बताया कि कोडरमा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर सावना खड़िया के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि झुमरे तलैया शहर के इस व्यस्तम इलाके में कई दुकानदारों के द्वारा अपने दुकानों के बाहर ठेला लगाकर गाड़ी पार्किंग कर या चौकी लगाकर सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण किया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर के इस मुख्य इलाके में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। इसके बाद नगर प्रशासक ने नगर परिषद की टीम के साथ शहर का निरीक्षण कर स्टेशन रोड से झंडा चौक एवं इसके आसपास के इलाके में सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करने पर विभिन्न दुकानों पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें चेतावनी भी दिया है। नगर प्रशासक ने बताया कि इस अभियान के दौरान श्यामश्री कलेक्शन, हिंद स्टोर, गुप्ता बाजार, पहनावा फैशन समेत कुछ ठेलों वालों पर सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करने पर कुल 9,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। आज जो है कार्यालय में ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनकी पहल पर ही हम लोग आज इसके लिए निकले थे और उनके द्वारा भी बताया गया था कि क्योंकि झंडा चौक से लेकर स्टेशन रोड के बीच में बहुत ज़्यादा इलीगल वेंडिंग हो रही है और जो परमानेंट दुकानें हैं वहाँ पर उनके सामने भी अपने अपने स्ट्रक्चर्स को आगे एक्सटेंड कर लिया गया और इलीगली वहाँ पर अपना सामान रखते हैं। कपड़े की दुकान वाले या जूते की दुकान वाले अलग से चौकी लगा करके या कोई टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर जो है वहाँ खड़ा करके रखते हैं, उसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। और कार्रवाई के दौरान जो है संज्ञान में आया कि कई दुकान जो है वो जो हमारी पहले से बोर्ड द्वारा स्वीकृत दर है ठेला के लिए, कुलचा के लिए, स्ट्रीट वेंडिंग के लिए, वो भी नहीं दे रहे थे जो प्राधिकृत हमारे कर्मचारी हैं उनको। उसके अलावा दुकानदार जो है अपने आगे इलीगल पार्किंग करके रखे थे। अधिकतर दुकानों ने खुद सार्वजनिक पथ का अतिक्रमण कर रखा था और लगभग कई दुकानों ने इलीगल होर्डिंग्स भी लगा के रखी। तो इन्हीं सब प्रावधानों के मामले में कई दुकानों पर 2,000 रुपये फाइन किया गया है झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रेड अनुज्ञप्ति है या नगर पालिका अनुज्ञप्ति जो दी जाती है किसी भी परिसर के गैर आवासीय इस्तेमाल के लिए, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस मेंशन होते हैं जिसमें कि दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी तरह से सार्वजनिक पथ का अतिक्रमण नहीं होगा, नहीं करेगा और ना ही उसे होने देगा। उसके अलावा उनको डस्टबिन्स भी रखने हैं जिसमें कि अपना कचरा अपने दुकान में रखना है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। तो इन्हीं सब के लिए इन पर फाइन लगाया गया। कुछ कुछ शिकायतें भी आई हैं कि मतलब कहीं कहीं कचरा पड़ा हुआ है, साफ रिमूवल नहीं हो रहा है, तो उस कचरे को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और हमारा भी सभी नागरिकों से अनुरोध है कि झंडा चौक के आसपास और झंडा चौक से स्टेशन रोड जो कि सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है शहर के, उसको क्लियर रखने में हमारी सहायता करें। सड़क सुरक्षा समिति में नगर पालिका को भी यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी दुकानें हैं जिसके आगे इलीगल पार्किंग लगता है या इलीगल होर्डिंग लगता है, उसके अलावा अगर इलीगली अवैध रूप से वाहन को खड़ा होने भी देते हैं तो उन दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके आलोक में 11 दुकानों पर नोटिस किया जा चुका है और नोटिस के आलोक में उनके जवाब भी प्राप्त हो गए हैं, जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानों ने हटा लिया है उसे, जिन्होंने नहीं हटाया है उनके लिए अभी भी समय है। अगर वैसे ही लीगल स्ट्रक्चर को नहीं हटाते हैं तो सुसंगत धाराओं की। तिलैया में सर बड़े बड़े मार्केट बने हुए लेकिन पार्किंग नहीं है, लोग रोड पे ही गाड़ी लगाते हैं, तो पहले भी सर इस पे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।